हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका नन्ना मुन्ना सोया हुआ है तो क्या आप उसकी नींद डिस्टर्ब करना चाहेंगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब बात आ जाती है उसकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए कि हमारा बच्चा हेल्दी रहे, वो भूखा ना रहे, तब आप ज़रूर एक बार सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हाँ, अगर हमारा बच्चा सो गया है तो उसे हम उठाकर दूध पिला दें। देखिए जी, आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि यदि आपका बच्चा सो जाता है तो उस केस में हम अपने बच्चे को कैसे जगाएं और क्यों जगाना ज़रूरी होता है। देखिए, ऐसा होता है कि जैसे बच्चा सो गया और बच्चे ने दूध नहीं पिया और काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 आवर्स हो गए हैं, बच्चा भूखा है। जो बच्चे ने दूध पिया था वो पी हुआ काफ़ी टाइम हो गया और उसी ड्यूरेशन में बच्चा सो जाता है और वो भूखा है, तो ऐसी कंडीशन में हम जो मॉमीज होती है बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मेरा बच्चा भूखा ही सो गया या मेरे बच्चे को सोते हुए बहुत टाइम हो गया है, उसका फीड का टाइम हो गया, दूध पिलाने का टाइम हो गया है, तो क्या मैं उसे दूध जगाकर पिला दूँ या उसे सोने दूँ, उसके जागने का इंतज़ार करूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में आते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रही हैं कि अगर बच्चा सो गया है, दूध नहीं पिया, सो गया है, तो उसे सोने देते हैं, जब वो उठेगा तब उसे दूध पिला देंगे, या फिर हमें ये डर लगा रहता है कि नहीं, अगर हम उसे जगाएंगे, बीच में जगाएंगे, तो वो क्या होगा, रोने लग जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो उसको सोने देते हैं। लेकिन नहीं, हमें ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तो मैं इस वीडियो में आज आपको यही बताने वाली हूँ कि यदि आपका बच्चा सो जाता है और उसका फीड टाइम हो गया, आपको दूध पिलाना हुआ, तो सोते हुए बच्चे को कैसे जगाएं और उसको दूध पिलाना कितना ज़रूरी होता है। अगर आप उसको दूध नहीं पिलाते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती हैं। अगर ऐसा देखिए, बच्चा डेली सोएगा और डेली अगर हम यही सोचते हैं कि नहीं सोने दीजिए और बच्चा जाग जाएगा तो रोएगा या उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, अगर हम ऐसा डेली मेंटेन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आप सोते हुए बच्चे को नहीं जगाओगे तो उसका एक ऐसे कर करके डेली उसका क्या होगा कि जो दूध वो पीता है वो दूध कहीं ना कहीं दूध की क्वांटिटी कम हो जाएगी। जो दूध इनटेक कर रहा है बेबी, आपका मिल्क इनटेक कर रहा है, वो क्वांटिटी बेबी के अंदर कम हो जाएगी, वो भूखा रहेगा, भूखा रहने से एसिडिटी होगी, उसकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी और उसका असर माँ के ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। कैसे माँ के ऊपर पड़ेगा ये भी मैं बताऊंगी। और साथ ही साथ क्या होता है कि अगर आप उसको जगाना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगी टिप्स के, आप उसको किस तरह से जगाएं तो जिससे वो जाग भी जाएगा, उसकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी और बड़े आराम से वो जाके दूध पी जाएगा। और अगर आप सोते हुए भी पिलाना चाहती हैं तो कैसे आपको पिलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात यहाँ पर ये करेंगे कि सोता हुआ बच्चा अगर दूध नहीं पीता और हम उसको ऐसे ही लिमिट कर देते हैं कि नहीं सोने दीजिए बेबी को, उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो जाए, तो देखिए, एक तो उससे जो पेट खाली रहेगा उसका, ठीक है, पेट खाली रहेगा प्रॉपर तरीके से, जो टाइमिंग है बेबी का, जैसे हर 1-1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद बच्चा दूध पीता है, ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में बच्चा सो गया, उसी टाइम पीरियड में सो गया या वो सो ही रहा है, हम उसे जगाने से डर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे को भूखा सो रहा है, भूखा सोने से क्या उसका पेट खाली है। और ऐसे कंडीशन में क्या करेगा बच्चा कि कभी हाथों को शक करता है, कभी अंगूठे को, कभी उंगलियों को, कभी अपनी मुट्ठी को शक करता है, तो ऐसे कहीं ना कहीं वो गंदी चीज़ों को या कुछ कीटाणुओं को अपने अंदर ले लेता है, तो वो भी हार्मफुल रहते हैं बेबी के अंदर, ठीक है। खाली पेट में बच्चे की गैस बनती है, गैस बनती है, आपने देखा हो बच्चों को कॉलिक पेन इतना ज़्यादा होता है, गैस्ट्रिक पेन इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा उस टाइम में रोने लगते हैं जब बच्चे के पेट के अंदर गैस बनती है। तो जैसे आप देखते हो जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं तो डकार दिलाते हैं, डकार नहीं दिलाते हैं, पेट में गैस भरी हुई रहती है तो बच्चे को दिक्कत होती है। सेम जब खाली पेट बेबी का होता है तब भी गैस की प्रॉब्लम बच्चे को हो जाती है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, यदि हम अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़ देते हैं, दूध नहीं पिलाते, तो दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बच्चे का जो वेट है वो कम हो जाता है। हालांकि जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के कुछ समय बाद बच्चे का जो वेट है वो कम होता है, बट प्रॉपर तरीके से दूध ना पिलाने की वजह से भी बेबी का वेट एकदम डाउन हो जाता है, वजन कम हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर
प्रॉब्लम है अगर हम बच्चे को टाइमली दूध नहीं पिलाते, टाइमली दूध नहीं पिलाते हैं तो सो अगर वो सोया हुआ है, अगर हम उसे जगा के दूध नहीं पिला रहे तो उसका वेट कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस डेली होगी, आपका बच्चा डेली सोएगा और कहीं ना कहीं आप उसकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करोगे तो उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी, वो आपको प्रॉब्लम होगी कि यदि आप अपने बेबी को दूध नहीं पिला रहे हो, ये वो सोया हुआ आप उसे दूध नहीं पिला रहे हो, तो आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। देखिए आप उसे बफेलो मिल्क या काओ मिल्क या फॉर्मूला मिल्क पिला रहे हो वो बात अलग है, यदि आप उसे खुद अपनी फीडिंग करा रहे हो तो ऐसी कंडीशन में आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। आप जितना स्तनपान आपके बेबी करता है उसमें कमी आ जाएगी, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यदि आप प्रॉपर तरीके से बच्चे को फीडिंग नहीं कराएंगे तो रुका हुआ जो मिल्क होता है वो कहीं ना कहीं हमारे चेस्ट में पेन स्टार्ट कर देता है, दर्द स्टार्ट कर देता है, तो वो हमें वहाँ पर दिक्कत होने लगेगी और फिर हमें क्या होगा, मिल्क लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है यदि हम अपनी बेबी को टाइमली फीड नहीं कराते हैं। तो उसको अगर वो सोया हुआ है तो उसको जगाइए, कैसे जगाना ये मैं बताऊंगी, लेकिन उसको जगाकर दूध पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप उसे सोते हुए जगा रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो रोता हुआ जागेगा, आपके पास इतने सारे आइडियाज हैं जिसके थ्रू आप अपने बच्चे को जगा सकते हैं, ठीक है, तो वो भी मैं अभी शेयर करूँगी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए अगर आप उसको जगाना नहीं चाहते हैं, सोते हुए ही दूध पिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड क्या है कि आप हल्के से अपने बेबी का सर जो हेड है उसे अप करिए। अप करने के बाद अगर आप उसे बॉटल से दूध पिलाते हैं तो वो बॉटल की निपल उसके मुंह से लगा दीजिए, लेकिन कभी भी ध्यान रखिए आप अपने बच्चे को सोते हुए एकदम स्ट्रेट दूध नहीं पिलाएंगे, वो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हमेशा उसका सर हल्के से आप ऊपर उठाएंगे, कुछ उसके सर के नीचे लगाएंगे, कुछ भी उसका पिलो है या कुछ भी है, हल्का सा सर उसका हेड अप करेंगे, देन सोते हुए बेबी को आप ऐसे दूध पिला सकती हैं। यही पोजीशन आपको यदि अपनी फीड करानी है बेबी को तो उसको ऐसे ही उसका सर थोड़ा सा ऊंचा करके उसको आप अपनी फीड दे सकते हैं, लेट कर आप अपनी फीड दे सकते हैं, लेकिन उसका जो हेड है वो अप होना चाहिए। सेम इसी तरह से आप उसे बोतल से भी अपना मिल्क इसी तरह से पिला सकती हैं। अब मैं आपको वो मेथड बताऊंगी जो आपको बच्चा जब आपका सो रहा हो तो सोते हुए आप कैसे रब करें। सबसे अच्छा इजी वे, अगर सर्दियाँ हैं तो आप उसके सॉक्स उतार दें, सॉक्स उतार के हल्के हल्के उसके पैरों को रब करें, हल्के हल्के पैरों को रब करेंगे तो उसको गुदगुदी महसूस होती है और जो पैरों का टच है बेबी को बहुत अच्छा लगता है। उसके जो हैंड है, नन्हे नन्हे से हैंड है, उसके मिट्टी मिट्टी करिए, किसी करिए उसके हाथों पर, तब भी उसको अच्छा लगता है। और ये तो हर कोई माँ करती है अपनी बेबी की, कि उसके हेड पे, उसके चीक्स पर किसी करती है, तो इस तरीके से आप उसको किसी करके, प्यारी प्यारी से किसी करके उसको जगा सकती हैं। सिमिलरली आप उसके जो सॉक्स हैं रिमूव करके उसको जगा सकती हैं। यदि गर्मियों का टाइम है तो गर्मियों के टाइम में आप क्या कर सकती हैं, उसकी पीठ को स्टिमुलेट कर सकती हैं, हल्के हल्के से उसकी पीठ को रब करें, हल्के हल्के हाथ से उसकी पीठ पर गुदगुदी करें, हाथ फेरें, तो वो टच बेबी को बहुत अच्छा लगता है। तो उससे क्या होगा कि बच्चा एकदम, जैसे आपने झटके से बेबी को ऐसे ऐसे जगाया या उसको उठा के उसके मुँह में निप्पल लगा दी, तो वो इरीटेट हो जाएगा, वो निप्पल को मुँह में नहीं लेगा, रोना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले 5 मिनट्स का ये काम होता है, आप उसको प्यारी प्यारी किस करिए, उसके नेक पर, उसके चीक्स पर, उसके फोरहेड पर, उसके हाथों में, उसके जो फुट हैं उनको अच्छे से सहलाइए, उसकी जो बैक है उसको आप अच्छे से सहला सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, गुदगुदी कर सकते हैं, हल्की सी गुदगुदी इन द सेंस फास्ट वाले ने, हल्के हल्के अपने हाथ को पीठ को उसके रब करना है जिससे कि उसको थोड़ा सा वो अपनी नींद से बाहर आने लगे। नेक्स्ट जो है वो ये है कि आप लाइट को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइट जला दें, यदि लाइट बंद है तो आप लाइट जला दें। लाइट जलाने से अगर बच्चा अंधेरे में सोया हुआ है, डार्कनेस में है, तो आप लाइट ऑन कर दें। लाइट ऑन करने से उसकी जो लाइट है उससे भी बच्चा अपने आप जाग जाता है और बच्चा आराम से जाग जाता है, वो रोता भी नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी बेबी को जगा सकती हैं। इसके साथ हल्की जेंटल मसाज करके, जैसे कि मैंने बताया था उसकी फोट की बैक की जेंटल मसाज करके आप उसको जगा सकती हैं। हल्का सा कोई भी गाना गुनगुना के आप उसको जगा सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपने बेबी को प्यार से गोदी में लेके उसको मीठी मीठी करके उसको आप जगा सकती हैं। तो ये मल्टीपल इतने सारे उपाय हैं जिनके
थ्रू आप अपने बेबी को जगा सकती हैं। और जगा मेरा यहाँ वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप अपने बच्चे को कभी भी अगर उसको फीड करानी है तो उसको आप हर हालत में फीड कराएं, ये सोचकर उसको ना छोड़ दें कि हाँ अभी तो वो सोया हुआ, मैं बाद में फीड करा दूँगी। इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बच्चा का वेट कम हो जाता है, बच्चा के पेट में गैस की प्रॉब्लम बनने लगती है, प्रॉपर तरीके से पॉटी नहीं आती, उसका मल सूखने लग जाता है अगर वो प्रॉपर तरीके से फीड नहीं करता, प्रॉपर तरीके से वो टाइमली पॉटी नहीं करेगा, उसको पी कम आएगी। जब पी कम आती है तो उसको इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा पी पास करने में, तो उसको पी नहीं आएगी। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो आप देखिए, पर्सनली मैं बताऊँ, ऐसा हो चुका है कि हम ये जब डेली ऐसा करते हैं, इस प्रोसेस को हम डेली करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बच्चे की ग्रोथ में कमी आती है, डेवलपमेंट में कमी आती है। तो इसलिए ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें कि सोते हुए बच्चे को नहीं जगाना चाहिए, बिल्कुल आप जगाइए। जगाने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैंने आपको बताएं, लोरी गाकर, आप गाना गाकर, गुनगुनाकर, मसाज कर, उसको गोदी में लेकर, उसको किस करके, इस तरीके से आप उसको जगा सकती हैं। ठीक है, जगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, थोड़ी देर के लिए ऐसा हो सकता है कि उसे अच्छा ना लगे, बट हाँ जब आप रेगुलरली उसे पैम्पर करोगे, प्यार करोगे, तो उसका मूड अच्छा हो जाएगा और फिर वो आराम से आपकी भी फीड करेगा, या आप बोतल से पिलाओगे तो बोतल से वो आराम से फीड कर लेगा। तो आप बिल्कुल मत हिचकिचाइए कि सोते हुए बच्चे को मैं जगाऊं या नहीं जगाऊं, बिल्कुल आप जगाइए। आपका जगाना आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो माय डियर मॉमीज, आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर आप ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से प्यारे प्यारे से टॉपिक लेकर आती रहूँगी, आपके क्वेश्चंस पर वीडियो बनाती रहूँगी। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस कर दें। कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।